तो किया का जो लोगो था लोगों ने काफ़ी पहले देख लिया था, बट किया ने ऑफिशियली अपने लोगों को सब लोगों के लिए कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। तो किया की जो गाड़ियाँ आती है तो सोनेट, सेल्टोस और कार्निवल, कार्निवल के अंदर सिर्फ लोगों का चेंज किया गया है, बट जो सेल्टोस और सोनेट है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजेस कर दी गई हैं। जो सेल्टोस है उसके अंदर इतना मेजर चेंजेस नहीं किया है, बट जो सोनेट है उसके अंदर लोगों के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं। कार्निवल वही सेम आती है। तो सबसे पहले मैं सोनेट के जो मेजर चेंजेस हैं, 8 मेजर चेंजेस बेसिकली इस सोनेट के अंदर किए गए हैं, उन 8 मेजर चेंजेस की बात कर लूँगा इस वीडियो में। और जो सेल्टोस के अंदर मेजर चेंजेस किए गए हैं वो सारे चेंजेस भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले जो सोनेट के अंदर मेजर चेंजेस किए गए हैं भाई, उनकी बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले जो कंपनी ने, पहले क्या होता था, जो HTK+ वेरिएंट आता था उसके अंदर पेट्रोल एज वेल एज डीजल दोनों के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता था, बट कंपनी ने अभी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब ये तो था सबसे पहले वाला जो मेजर चेंज किया है सोनेट के अंदर। जो दूसरा सबसे बड़ा कंपनी ने चेंज किया है वो है HTX वेरिएंट के अंदर। HTX के वेरिएंट के अंदर पहले क्या आता, सिर्फ IMT आता था और डीजल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन आता था, बट अभी कंपनी ने क्या कर दिया है, HTX वेरिएंट के अंदर IMT तो आता ही है, बट उसके साथ साथ 7DCT भी कंपनी ने टर्बो के अंदर लॉन्च कर दिया, टर्बो वाले इंजन के अंदर, और डीजल के अंदर भी ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल ये भी लॉन्च कर दिया है। अब जो तीसरा सबसे बड़ा फीचर है वो इसके सेफ्टी को लेकर लॉन्च किया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और ब्रेक असिस्ट। ये पहले क्या थे, जो HTK+ पेट्रोल DCT आता था 7DCT एंड GTX+ में उसी के अंदर आता था, बट अभी कंपनी ने क्या कर दिया है, ये आपको HTX वेरिएंट से आने लग जाएंगे, जो कि इस गाड़ी के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप जैसे देखोगे इसके कंपटीशन में टाटा की नेक्सॉन, उसके बेस वेरिएंट में भी XM वेरिएंट के अंदर भी आपको हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, बट इसके अंदर अभी आपको HTX वेरिएंट से आने लगेंगे। पहले क्या था, ये सिर्फ GTX+ और HTK+ का जो पेट्रोल 7DCT वेरिएंट था उसके अंदर आते थे। अभी चौथे नंबर का जो इसके अंदर बदलाव किया गया है वो इसके HTX वेरिएंट में ऑटोमेटिक पेट्रोल एज वेल डीजल के अंदर अब ड्राइव मोड भी आने लग गए हैं, जो कि पहले सिर्फ आपको GTX+ में देखने को मिलते थे। अभी जो पांचवा सबसे बड़ा बदलाव किया भाई, वो अपने इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंदीदार अब आजकल बन चुका है, क्योंकि इंडियंस को जो सनरूफ है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आने लग गई है भाई, सभी को सनरूफ बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई है। तो अभी क्या था, देखो जैसे टाटा के अंदर नेक्सॉन आती है उसके अंदर भी कंपनी ने क्या कर रखा है, जो उसका बेस वेरिएंट है XM उसमें स्पेशल एडिशन लॉन्च करके XMS उसमें सनरूफ दे रखी है। और महिंद्रा ने अभी क्या किया है, जो उनकी XUV300 है उसके अंदर भी उन्होंने, जो पहले क्या था सिर्फ टॉप एंड द लाइन वेरिएंट के अंदर सनरूफ आती थी, अब सिर्फ बेस वेरिएंट को छोड़ के उससे ऊपर जो सभी वेरिएंट्स बच गए उनके अंदर आपको सनरूफ मिल जाती है। तो यही देख हम देख में किया ने क्या किया भाई, उसने भी अपनी सनरूफ दे दी है HTK+ वेरिएंट में, पर ये HTK+ जो सभी वेरिएंट्स हैं उनके अंदर नहीं आएगी, ये सिर्फ सनरूफ आएगी आपके टर्बो IMT के अंदर, मतलब सभी वेरिएंट में नहीं आएगी, टर्बो IMT बच गया उसी के अंदर ही आएगी। अभी छठा जो बदलाव किया गया है वो HTK+ वेरिएंट के अंदर किया गया है, इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री और रिमोट से इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, जो पहले HTX वेरिएंट IMT के अंदर आता था वो अब आपको HTK+ वेरिएंट के अंदर भी मिल जाएगा, बट ये सिर्फ आपको टर्बो पेट्रोल और डीजल के अंदर ही मिलेगा। अभी जो सातवां सबसे बड़ा बदलाव किया गया है उसकी तो भाई इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। जैसे इसके सारे वेरिएंट्स जो आते हैं, जैसे इसका बेस वेरिएंट में तो आपको व्हील कवर्स मिलते थे, बट HTK+ वेरिएंट में आपको स्टाइल रिम मिल जाते थे, और जो इसका HTX वेरिएंट आता था उसके अंदर भी आपको स्टाइल रिम मिल जाते थे, बट इसका जो अलॉय व्हील्स थे 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, वो सिर्फ आपको टॉप एंड द लाइन वेरिएंट यानी कि HTX+ और GTX+ के अंदर मिलते थे, बट कंपनी ने इसको थोड़ा सा सुधार किया है, अभी ये आपको HTX वेरिएंट से आने स्टार्ट हो जाएंगे डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो 16 इंचेस के थे। GTX+ में और HTX+ के अलॉय व्हील में डिफरेंस क्या है, थोड़ा बहुत रेड ट्रीटमेंट का डिफरेंस है और बाकी ब्रेक कैलिपर उसके अंदर रेड दिया है GTX+ में, और जो ट्रीटमेंट रेड भी वो भी आपको GT वाला वेरिएंट है उसी के अंदर मिलेगा, बाकी जो नॉर्मल डायमंड कट अलॉय व्हील है वो दोनों गाड़ियों में दोनों वेरिएंट्स के अंदर बिल्कुल सेम ही है, तो वो अब आपको HTX वेरिएंट से आने लग जाएंगे।
अभी जो लास्ट एंड आखिरी जो अपना सबसे बड़ा बदलाव किया है कंपनी ने, वो इसका पैडल शिफ्टर का किया है। ये सिर्फ आपको GTX Plus जो इसका टॉप एंड द लाइन वेरिएंट है, अगर आप इसको ऑटोमेटिक में लोगे तो आपको ये पैडल शिफ्टर अब मिल जाएंगे। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ इसमें मोटा मोटा क्या बदलाव किया है। एक तो सनरूफ का एड ऑन कर दिया है, एक तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स आने लग गए हैं, तो एक सेफ्टी फीचर को ऐड ऑन कर दिया इसके अंदर, लाइक हिल कंट्रोल वो सब चीज़ें। ये तो थे मेन चेंजेस इस सोनेट के अंदर। अभी इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इंजन में कोई भी ऐसा मेजर चेंज नहीं किया गया है। इसके अंदर वही सेम तीन इंजन आते हैं, एक तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 83 PS ऑफ पावर, वो सिर्फ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही मिलेगा। एक आता है इसका 1 लीटर का टर्बो इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 120 PS ऑफ पावर, वो आपको 6 स्पीड IMT एज वेल एज 7 DCT के अंदर मिल जाएगा। और एक इसका इंजन आता है 1.5 लीटर का CRDA डीजल इंजन, वो प्रोड्यूस करता है 100 PS ऑफ पावर इन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 115 PS ऑफ पावर इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बाकी जो गाड़ी के कलर्स हैं और सब कुछ चीज़ है वो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। लुक्स में सिर्फ जो एक है किया का लोगो ही चेंज किया है। तो ये सब तो चेंजेस किए हैं कंपनी ने सोनेट के अंदर, जो कि मेजर चेंज थे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे। बट सेल्टोस के अंदर कंपनी ने ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं किया, सिर्फ लोगों के लिए उस गाड़ी का लोगो ही चेंज किया है। तो लोगो किया क्या किया, तो ये सब तो ये थोड़ा सा उसके अंदर कंफ्यूजिंग है। तो सेल्टोस के अंदर चेंजेस की बात कर लेते हैं। एक तो उनके IMT ट्रांसमिशन को ऐड कर दिया उन्होंने HTK प्लस वेरिएंट के अंदर, जो कि सिर्फ आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है उसी के अंदर मिलेगा। और बाकी पैडल शिफ्टर जो है वो ऐड ऑन कर दिया है। सिर्फ यही दो मेजर चेंज किए कंपनी ने, बाकी जो इसके इंजन है वो बिल्कुल सेम ही है, कोई इसके अंदर बदलाव नहीं किया गया है। एक तो आता है इसका अगर इंजन की बात करें तो इसके अंदर भी तीन इंजन मिल जाते हैं, 1.5 लीटर का पेट्रोल जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS ऑफ पावर, और ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड IMT और IVT यानी कि ऑटोमेटिक इनके अंदर आपको मिल जाएगा। और एक आएगा 1.4 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 140 PS ऑफ पावर, ये आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 DCT के अंदर मिल जाएगा। और एक आएगा 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन जो कि 115 PS ऑफ पावर प्रोड्यूस करेगा, और ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर मिल जाएगा। तो गाइज ये वीडियो थी सिर्फ आपको चेंजेस बताने के लिए कि सेल्टोस के अंदर क्या किया गया है और सोनेट के अंदर क्या चीज़ें चेंजेस की गई है। अगर आपको समझ में आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी अपनी क्वेरीज वगैरह डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको इन्हीं गाड़ी से सिर्फ इन्हीं बारे में कुछ क्वेरीज है तो वही सब चीज़ पूछ सकते हैं, इनके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरीज कोई सलाह चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। टेक केयर, वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। टेक केयर एंड बाय बाय।